घाटकों पर मानकुर लिंक रोड पर पार्किंग माफिया का आतंक। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइफ। मैं घाटकों पर मानकुर लिंक रोड पे खड़ा हुआ हूं और जिस तरीके से पूरे ही घाटकों पर मानकुर लिंक रोड के ऊपर इल्लीगल पार्किंग, अगर आप आते जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि किस तरीके से सीधे और उल्टे हाथ पर टूवर्ड्स वाशी और टूवर्ड्स घाटकों पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इल्लीगल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डंपर और क्लीनअप की गाड़ी, ऑटो रिक्शा और सारे ओला के जो प्राइवेट और जितनी भी टी से परमिट की गाड़ियाँ सारी लाइन से खड़ी रहती है। मामला ये है कि यहाँ के स्थानिक लोग जो है वो अपनी गाड़ियाँ खड़े करने के लिए यहाँ जगह नहीं है। इसी तरीके से एक मामला सामने आया है कि यहाँ के स्थानिक जो रहने वाले अनवर है उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी और उस दौरान करीब हफ्ते में तीसरी बार इस तरीके से हुआ कि इनकी जो गाड़ी है उसको जो है RTO पुलिस ने जो है फाइन मारा। अब इनका ऐसा आरोप है कि जो यहाँ की लोकल पार्किंग माफिया जो है वो क्या करती है कि अगर किसी स्थानिक लोगों की यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो वो किसी अफसर को बोल करके जो है RTO पुलिस के गाड़ी को या तो टोचन करवा देते हैं या तो एक बड़ा सा फ़ाइन लगवा देते हैं। इसी तरीके की कुछ घटना जो है अनवर के जो यहाँ के स्थानिक रहवासी उनके साथ हुई थी। बात करेंगे इनसे कि क्या हुआ था आपकी गाड़ी के साथ, क्या चीज़ें हुई थी, पूरा खुल के बताइए। ऐसा हुआ था कि मैं सुबह यहाँ गाड़ी लगा के गया, मैं अक्सर यहीं लगाता हूँ और ये लोग को पार्किंग का पैसा देता हूँ। इस महीने में 2-3 बार कभी ऐसा होता है मैं लेट हुआ या वो लड़का नहीं दिखा, पार्किंग का पैसा नहीं दिया ना, उसी दिन बराबर RTO आके मेरी गाड़ी टोचन कर लेती है। आज भी ऐसा ही हुआ, मैं सुबह गाड़ी लगाया, यहाँ पर वो पार्किंग वाला लड़का था नहीं तो मैं पैसा नहीं दिया तो दिन में RTO वाले आके मेरी गाड़ी टोचन कर लिए। इतनी सारी गाड़ियाँ सब छोड़ के सिर्फ मेरी गाड़ी, और जो पैसा नहीं देगा उसी की गाड़ी RTO वाले टोचन करते हैं। बोराडे नाम का एक RTO में ऑफिसर है, वो और पार्किंग वालों का टाई अप है। जो पैसा नहीं देगा उसको कॉल करते, वो आके यहाँ से गाड़ी उठा के बराबर RTO में ले जाके जमा करता है। तो बोराडे को कॉल करते तो बोराडे गाड़ी लेके जाता है। हाँ, ये लोग उसको कॉल करते कि ये गाड़ी लेके जाना है, बराबर वही गाड़ी लेके जाता है। वरना यहाँ 500 गाड़ियाँ खड़ी है, वो 500 में से सिर्फ एक मेरी कार अनलीगल थी, उसके बाजू में इतनी गाड़ी है, कोई गाड़ी को कुछ नहीं। ये लोगों ने पैसा दिए और मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरी गाड़ी उठा के लेके चले गए। कानून सबके लिए होना चाहिए ना। तो अगर ये जैसे घाटकों पर मानकुर लिंक रोड पे पूरी तरीके से दोनों तरफ जो है प्राइवेट गाड़ियाँ छोड़ करके जो है जितनी कमर्शियल गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है, जो स्थानिक जो झोपड़पट्टी के लोग हैं उनके यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, तो वो लोग रोड पर अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करेंगे? मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं भी यहाँ का स्थानिक हूँ, सब लोग यहीं गाड़ी लगाते हैं और पैसा देना पड़ता है अपनी गाड़ी लगाने का। ये अनलीगल पार्किंग कब्जा कर लिया है लोग ने और RTO से मिल के इन लोग का राज चल रहा है। जो गाड़ी लगाएगा पैसा देगा या कभी टायर फोड़ देंगे, टायर फोड़ने से नहीं मानोगे तो RTO से टोचन करवा देंगे, जैसा मेरे साथ हो रहा है। इस महीने में 3 बार हो चुका है, 2 बार तो मैंने रास्ते में ही 1000 रुपया वो रिश्वत दे के गाड़ी छुड़ा लिया। मेरे को RTO जाके टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए आज मैं थोड़ा लेट हो गया आने, तो मेरी गाड़ी RTO में जमा थी, फिर वहाँ जाके मैं अपनी गाड़ी छुड़ा के लाया हूँ। फिर पता चल रहा है क्यों लेके गए, तो बोले यहाँ आके लड़के से पूछ रहा हूँ मेरी गाड़ी क्यों गई, तो बोलता भाई तुम पैसा नहीं दिए थे, मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो जो पैसा तो ये जो पार्किंग है ये लीगल है इलीगल है? ये इनलीगल है ना, रोड पे लोगों ने कब्जा करके गाड़ी खड़ी की है और दादागिरी से पैसा ले रहे हैं। कोई कुछ बोलेगा तो मारेंगे, लड़ेगा कौन इनसे। तो अभी इस चीज़ की जो घटना आपके साथ हुई, अपने सीनियर PI से यहाँ पे बात? मैं कोई पुलिस के पास नहीं गया, RTO में मैं बोल रहा था ऐसा ऐसा मेरे साथ है, सिर्फ मेरी लेके आए, बाकी गाड़ी क्यों नहीं लाए, तो वो उल्टा मेरे पे चढ़ गए, तेरे को क्या करने का, तेरा काम कर, चुपचाप आ गया, पुलिस से कौन झगड़ा करेगा। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करूंगा, या तो सबको एक नज़र से दे, हम लोग गाड़ी अपनी लगाएंगे कहाँ, और कभी अगर एक आध दिन पैसा नहीं दिए तो RTO पूरा उनका साथ दे रहा है, तुरंत गाड़ी लेके चले जा रहे हैं। या तो सबसे पैसा सबको लगाने दे या तो फिर ये जगह खाली करे, हम लोग अपनी गाड़ी लगाएंगे। घाटकों पर मानकुर लिंक रोड पे पूरी कमर्शियल व्हीकल्स खड़ी होती है, स्थानिक लोग जो है उनको गाड़ियां लगाने की जगह नहीं है। अगर स्थानिक लोग यहां पर अपनी गाड़ियां लगाते हैं और अगर पार्किंग का पैसा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर भारी जुर्माना लगता है। जैसे कि अनवर शेख ने बताया कि उन्होंने करीब 1000-1000 रुपये दे करके अपनी गाड़ी को छुड़वाया। अब मेरा सवाल ये है कि किस तरीके से मानकुर डिवीज़न जो है वो लोकल इल्लीगल पार्किंग माफिया के साथ मिलकर के किस तरीके से बड़ा कारोबार कर रहा है, जहाँ पे कई पैसे की, कई बड़े अमाउंट की जो है यहाँ से वसूली की जाती है और मिल बांट करके खाया जाता है, इस तरीके का आरोप स्थानिक लोगों का लगाया जा रहा है। प्रशासन से जो विवेक फंसलकर है,
जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, उसके अलावा देवेन भारती जो स्पेशल कमिश्नर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है कि स्थानिक लोग अपनी गाड़ियों को पार्किंग कहाँ करें, और अगर वो इस तरीके से यहाँ पर पार्किंग करते हैं तो लोकल माफिया और RTO पुलिस की मिली भगत से उसकी गाड़ी को टोशन कर लिया जाता है या सो उसे बड़ा फाइन किया जाता है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ लाइव, गोवंडी, घाटकोपर, मानकुर, लिंक रोड।